कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट के भाव, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी, साथ ही साथ कास्ट आयरन का भाव, एचआरसी सीआरसी कॉइल में क्या स्थिति रही, सरिया के बाजार में किस तरीके से कामकाज करना है, सारी जानकारी आप लोगों को विस्तार से देंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी उनके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो लोएस संबंधित अगर जानकारी आप लोगों को, मार्केट का फ्यूचर किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, जानकारी जानना चाहते हैं तो सुबह मॉर्निंग का लाइव सेशन 9:30 का आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। चलिए बात करेंगे एमएस इंगट की। एमएस इंगट के भाव में कल देखा गया बाजारों में एक बड़ी गिरावट, बाजारों में इंगट के बाजारों में मंडी गोविंदगढ़ के भाव में देखी गई। कल 50,500 रुपए का भाव हो गया, इसमें 500 रुपए की ऊपरी स्तर से गिरावट देखी गई। एमएस स्क्रैप की अगर बात करेंगे 38,800 रुपए भाव हो गया। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,700 रुपए हो गया, इसकी वजह से एमएस स्क्रैप में ज्यादा बाजारों में बिकवाली देखी गई। कास्ट आयरन का भाव मंडी गोविंदगढ़ टोका का भाव 42,000 रुपए पे बना हुआ है, इंपोर्टेड का भाव 43,000 रुपए पे बना हुआ है। लगातार विदेशी बाजार में सपोर्ट होने के बावजूद भी घरेलू बाजारों में अच्छी बिक्री का सपोर्ट नहीं मिल पाने के कारण बाजारों में आपने देखा कि बाजारों में गिरावट देखी गई। लेकिन अच्छा मौका है रिटेलर के लिए, फिर से एक अच्छा मौका है। जो बाजारों में एक रेंज अमाउंट 200 से 400 रुपए की रेंज में बाजार चल रहा था, बाजार में अगर कहीं गिरावट आती है तो गिरावट पे आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। आने वाले समय बाजारों में आपको रिकवरी दिखाई देगी, जैसे कि लगातार हमने आपको कहा कि बाजारों में आप गिरावट पर खरीदारी करने के लिए मन बनाइए, ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली करते चलेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए जान लेते हैं कास्ट आयरन का भाव क्या रहा। मंडी गोविंदगढ़ टोका का भाव 42,000 रुपए, इंपोर्टेड का भाव 43,000 रुपए रहा। चलिए जानेंगे एचआरसी सीआरसी कॉइल की स्थिति क्या रही। लुधियाना एचआरसी कॉइल का भाव 57,000 रुपए, सीआरसी कॉइल का भाव 66,500 रुपए, गाजियाबाद एचआरसी कॉइल का भाव 57,000 रुपए, सीआरसी कॉइल का भाव 64,000 रुपए, कोलकाता एचआरसी चीट का भाव 55,100 रुपए, सीआरसी चीट का भाव 64,000 रुपए देखा गया। चलिए जानेंगे रायपुर एग्रीवायर की क्या स्थिति रही। रायपुर एग्रीवायर का भाव 54,700 रुपए, इसमें भी 200 रुपए प्रति टन की गिरावट दर्ज करेगी। जीआई वायर का भाव 59,200 रुपए हो गया। एमएस पाइप का अगर बात करेंगे, गोविंदगढ़ पाइप का भाव 53,400 रुपए, रायपुर पाइप का भाव 52,600 रुपए रहा। ये जो भी रेट बताए हैं बेसिक रेट है, इस पर 18% जीएसटी लोडिंग एंड लोडिंग का चार्जेस आपको अलग से दे होगा। चलिए जानेंगे टीएमटी के भाव क्या है। मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी के भाव 55,300 रुपए, बाजारों में टीएमटी में भी गिरावट दर्ज करी गई। दुर्गापुर का भाव 51,200 रुपए हो गया, इंदौर का भाव 55,400 रुपए। अगर बात करेंगे रायपुर का भाव 51,600 रुपए, जयपुर का भाव 54,000 रुपए, मुजफ्फरनगर का भाव 52,600 रुपए, भावनगर का भाव 55,000 रुपए, गाजियाबाद का भाव 54,800 रुपए, जलना का भाव 55,200 रुपए रहा। सभी टीएमटी के भाव में 300 से 400 रुपए प्रति टन की बाजारों में ऊपरी स्तर से गिरावट दर्ज करेगी। इंगट पर जो गिरावट आई है उसका रिफ्लेक्शन आज भी बाजारों में आपको देखने के लिए मिल सकता है। चलिए आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं। तो मंडी गोविंदगढ़ में आज का एक सपोर्ट का लेवल 49,700 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 51,300 रुपए का है। इसी के तहत एमएस स्क्रैप का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 38,000 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 39,600 रुपए का है। वरिष्ठ जानकारों के अनुसार अगर बाजार कहीं 50,000 रुपए के ऊपर सस्टेन रहेगा तो बाजारों में आपके लिए अच्छा मौका है। जैसे कि लगातार आपको बताते हुए आते हैं बाजार में कहीं गिरावट आए वहाँ खरीदारी करिए, तो आने वाले समय में आप बाजारों में आप रिकवरी देख के चल सकते हैं। तो बाजारों में आप गिरावट पर खरीदारी करिए, बहुत ज़्यादा पैनिक करने की बाजारों में जरूरत नहीं है। इसी के तहत सरिया का बाजार भी आपको 54,500 रुपए के आसपास आता है, तो वहाँ पर आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट्स 24।